हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रूपा और आज मैं आ गई हूँ एक प्रोडक्ट के रिव्यू करने के लिए। हाँ, आज भी मैं केया सेठ एरोमाथेरेपी के एक प्रोडक्ट के रिव्यू करूँगी, क्योंकि केया सेठ एरोमाथेरेपी कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल के एक फेमस ब्रांड है। सब लोग केया सेठ एरोमाथेरेपी के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज़ करते ही हैं, और केया सेठ एरोमाथेरेपी प्रोडक्ट के सबसे फायदेमंद दिक यही है कि वो एरोमाथेरेपी प्रोडक्ट है, एकदम भी हार्मफुल नहीं है हमारे स्किन के लिए, स्किन को 0% भी डैमेज नहीं करते हैं। तो आप लोग ऐसे आग बंद करके भी केया सेठ एरोमाथेरेपी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। ऐसे सोचने का कोई बात ही नहीं है कि कैसा है, ख़राब नहीं है ना, स्किन के लिए डैमेज नहीं आएगी ना, कुछ भी नहीं आएगी, मैं ये बोल रही हूँ। और आज मैं जो प्रोडक्ट के बारे में बोलने वाली हूँ ना, वो है केया सेठ एरोमाथेरेपी स्किन इरेजर लिक्विड नीम, हाँ लिक्विड स्क्रब नीम। तो ये प्रोडक्ट के बारे में बस मैं पैकेजिंग, प्राइस, ये सारी चीज़ बता दूँ, उसके बाद इसका फ़ायदा और इसका यूजेस सब कुछ बताऊँगी धीमे धीमे से। फर्स्ट में ये ऐसे फ्लिपटॉप पैक में आते हैं, तो एकदम ट्रैवल फ्रेंडली है, ऐसे लीकेज होने का कोई भी चांसेस नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये ना ऐसा एक बोतल में आते हैं, ऐसा वाइट वाला कैप, और इसके साथ में ये जो बोतल है उसका कलर है जेल वाइट। मतलब ये जो ग्रीन कलर आप लोगों को दिख रहा है ना, ये प्रोडक्ट का कलर है, ये बोतल का कलर नहीं है। और इसका जो प्राइस है वो है 165 रुपीज़ फॉर 100 ग्राम। तो एकदम पॉकेट फ्रेंडली है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा प्राइस है, कैसे खरीदूँ, ऐसा सोचने का कोई भी बात नहीं है। तो ये क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कौन से वाले स्किन के लिए अच्छा है, ये सारे बात बता दूँ। बस मैं बताऊँ, जिन लोगों को ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, उन लोगों के लिए ये स्क्रबर से अच्छा स्क्रबर और कुछ हो ही नहीं सकता है। ऑयली स्किन वाले लोग हर वक्त सोचते हैं कि क्या स्क्रबर यूज़ करूँ जिससे स्किन हमारा ऑयली, ऐसे चिपचिपा सा ना रहे, फिर हार्श भी ना हो जाए, क्योंकि कई कबार हम लोग ऐसा चीज़ यूज़ कर लेते हैं जिससे वो ऑयलीनेस चले जाते हैं, साथ ही साथ स्किन हमारा बहुत ही हर्श हो जाते हैं, उससे बहुत ही ड्राई दिखता है, और साथ ही साथ रिंकल्स भी आ जाते हैं, वो भी नहीं आएगी। ये जेंटली क्लींस करेंगी, ऐसे नहीं है कि क्लीन कर लिया उसके बाद ड्राई ड्राई रफ रफ लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। बहुत ही जेंटली ये स्किन इरेजर काम करेगा। और एक बात, जिन लोगों को एक्ने प्रोन स्किन है या फिर पिंपल आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं पता भी नहीं चलते, वो लोगों को ये स्क्रबर ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे लाइफस्टाइल पूरा के पूरा चेंज हो गए हैं। रोज़ दिन हम लोग बाहर जा रही हो और स्किन के अंदर डार्ट ऑयल पॉल्यूशन ये सारे चीज़ आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं स्किन के ऊपर पिंपल्स आ जा सकते हैं, तो हम लोग क्या स्क्रबर यूज़ करें तो कौन सा वाले, क्योंकि हर स्क्रबर अच्छा नहीं होते हैं हर स्किन के लिए, स्किन का बहुत सारे टाइप्स है, तो स्किन टाइप्स हिसाब से स्किन इरेजर यूज़ करना चाहिए, स्किन स्क्रबर यूज़ करना चाहिए। तो जिन लोगों को ऑयली स्किन है, जिन लोगों को एक्ने प्रोन स्किन है, पिंपल का बहुत ही प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए ये स्क्रबर सबसे अच्छा स्क्रबर है। फर्स्ट में जी आप लोग हफ्ते में 3 दिन इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। और एक बात, स्क्रबिंग करने के पहले स्किन को बहुत अच्छे से, बस फेस वॉश से नहीं, उसके बाद क्लींजर से भी क्लीन कर लीजिए, क्योंकि स्किन जितना क्लीन रहेगा उसके ऊपर स्क्रबर उतना ही काम करेगा। फर्स्ट में स्किन को फेस वॉश से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद एक कोई भी क्लींजर से स्किन को क्लीन कर लीजिए, उसके बाद स्क्रबर को यूज़ कीजिए, तो इसका जो पूरा का पूरा फ़ायदा है ना, वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये रहा, और इसके साथ साथ मैं बता दूँ इसको क्यों यूज़ करना है। कभी कभार हम लोगों का स्किन बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन पिंपल कभी कभार आ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम के लिए तो ये हफ्ते में 3 दिन यूज़ कीजिए तो पिंपल नहीं आएगी, ये मैं बोल सकती हूँ। एक आध आ जाएगी, लेकिन जो पिंपल आ जाते हैं वो नहीं रहेगी, मतलब कई कबार आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं रहेगी। एक पिंपल का प्रॉब्लम, मतलब 99.9% पिंपल का गारंटी लोग ले सकते हैं, लेकिन वो 0.1% का गारंटी मैं तो क्या कोई भी नहीं ले सकते। और उसके साथ साथ स्किन को क्लीन करेगी, बहुत अच्छे से ग्लो भी देगी, और स्किन को इतना अच्छे से
जेंटली डार्ट ऑयल पॉल्यूशन ये स्क्रबर की मदद से निकल जाएगी कि स्किन ऐसे ही निखरेगी कि आप लोगों को लगेगी कि वाह स्किन हमारा पूरा का पूरा ब्लश कर रहा है। और कई कबार हमारा स्किन जब एक्ने प्रोन होते हैं, पिंपल रहते हैं, तो स्क्रबर यूज़ करने का ज़रूरत तब भी है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि स्क्रबर यूज़ करूँ ऐसे स्किन का हालत में, हाँ तब के लिए भी ये स्क्रबर सही है। और ये स्क्रबर यूज़ करने से जिन लोगों को, हाँ आप लोग बताएंगे कि हमारा नॉर्मल स्किन है, हमारा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि हफ्ते में एक दिन इस स्क्रबर को ज़रूर यूज़ कीजिए गर्मी के मौसम में, क्योंकि समर के सीज़न अभी चल रहा है और समर के सीज़न में प्रॉब्लम किसी को भी नहीं रहता है, फिर भी आ जाते हैं। मतलब जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों को भी कैसे प्रॉब्लम आ जाते हैं वो तो उन लोगों को भी पता नहीं चलते हैं, और मैं तो क्या, कभी कभार हम लोग भूल जाते हैं कि ये करनी थी, एक दो स्टेप ऐसे छोड़ देते हैं। हाँ टाइम देती हूँ खुद के लिए, लेकिन कभी कभार हम लोग ऐसे लगते हैं कि नहीं आज नहीं, आज नहीं करनी है, लेकिन गर्मी है तो डार्ट ऑयल पॉल्यूशन बढ़ गया है ये भी मथे में रखिए। तो उस टाइम के लिए ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए इस स्क्रबर को हाथ में रखिए और हफ्ते में एक दिन यूज़ कर लीजिए। और इसको यूज़ करने के बाद आप लोग फिर से फेस को एक क्लींजर की मदद से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद टोनर, उसके बाद क्रीम अप्लाई कर लीजिए। और ये आप लोग शायद सोच रहे हैं कि दिन में यूज़ करूँ या रात में, मेरे सजेशन यही है कि स्क्रबर जो यूज़ करना है ना वो बाहर जाने के पहले यूज़ कर लोगे तो फ़ायदा क्या है, बाहर जाने से बाद घर जब आ रहे हो तब दोपहर भी हो सकते हैं, शाम भी हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइम के लिए बहुत ही अच्छा है। और स्क्रबर अभी सभी को यूज़ करना चाहिए क्योंकि ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, इसका प्रॉब्लम ये स्क्रबर से एकदम ख़त्म हो जाएगी। हाँ ये केया सेथ एरोमाथेरेपी के दो टाइप का स्क्रबर है, लेकिन जिन लोगों का ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, पिंपल प्रोन स्किन है, उन लोगों के लिए बस यही स्क्रबर एकदम सही, एकदम बेस्ट स्क्रबर है। तो ये रहा मेरा आज का केया सेथ एरोमाथेरेपी स्किन इरेजर लिक्विड स्क्रब नीम का रिव्यू। कैसा लगा मेरा ये वीडियो, अगर अच्छा लगे ना तो एक लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फिर से मैं बता दूं कि कैसा लग रहा है मेरा ये रिव्यू वीडियो, अगर अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उससे मेरे को इंस्पिरेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।